हेलो हेलो कृपया प्रश्नों को सुने, जवाब सुनने तक इंतजार करें और जब मौका मिलेगा तो आपके पास हम आएंगे, आप भी तैयार रहें। आइए, इनसे पहला प्रश्न है, आपका टाइम शुरू होता है। नौ छ करना का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। नौ तो ग्यारह होना, अगर कहते तब कहते भाग जाना। नौ छ करना का मतलब है अच्छा या बुरा का फैसला ले लेना। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? यानी एल्युमिनियम किस एस्क से प्राप्त होता है? एल्युमिनियम किस एस्क? बॉक्साइट। आप अपने सहमत हैं? जोरदार तालियां के लिए। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंपीय केंद्र। आप अपने उत्तर समझते हैं? अगर आप अधिकेंद्र कहते तो आपका उत्तर सही होता। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जाइलम। आपके उत्तर कैद कर लें। अगर आप मृत जीवी कहते तो आपका उत्तर सही होता। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? यानी दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। अगर आप उत्तल लेंस कहते ना तो आपका उत्तर सही हो जाता। आगे शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? सात होता है। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियों के लिए। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है क्या कहलाएगा? रेखा। बिल्कुल सही जवाब। और मैं समय लिया 1 मिनट 58 सेकंड। धन्यवाद, टॉफी देकर विदा किया जाए। कृपया इन्हें टॉफी दिया जाए।